नमस्कार, सूजस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने की जोधपुर में हुई घटना की उच्च स्तरीय समीक्षा। शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने की आमजन से शांति बनाए रखने की अपील। गृह राज्य मंत्री की अगुवाई में उच्च स्तरीय दल पहुंचा जोधपुर दौरे पर। 3 दिवसीय जननायक खेल उत्सव की शुरुआत। खेल राज्य मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री के ऐतिहासिक फैसलों से प्रदेश में बदल रही है खिलाड़ियों की तकदीर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाओं के लिए जिम्मेदार असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जोधपुर में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कहीं भी सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाली घटना से समाज को नुकसान पहुंचता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधी चाहे किसी भी धर्म, जाति या वर्ग का हो, अपराध में लिप्त पाए जाने पर उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सभी समाज और धर्मों के लोग सभी त्योहारों को प्रेम और भाईचारे से मनाते आए हैं और विशेषकर जोधपुर अपनी अपनायत के लिए जाना जाता है, ये परंपरा बनी रहनी चाहिए। उन्होंने आमजन से शांति बनाए रखने की अपील की। जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि हमारी राजस्थान की और मारवाड़ की परंपरा रही है, सभी समाज के सभी धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहारों के अंदर भी प्रेम से भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा, ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें, ये मेरी बहुत मार्मिक अपील है। जो मैंने सुना है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने और कुछ नेताओं को मैं अपील करना चाहूँगा, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी नेता हो, कि जो राजनीति में कार्यकर्ता है या नेता है, जनप्रतिनिधि है किसी पार्टी का हो, पहला उसका धर्म होता है कि कैसे वो अपनी पार्टी के लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को, सबको संदेश करे कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस परंपरा का निर्माण करने के लिए तमाम पार्टी के लोग एकजुट रहेंगे, ये मैं उनसे अपील करना चाहूँगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गृह राज्य मंत्री श्री राजेंद्र सिंह यादव, जोधपुर के प्रभारी मंत्री श्री सुभाष गर्ग, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री अभय कुमार को हेलीकॉप्टर से तत्काल जोधपुर जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जोधपुर और हाल ही में हुए इस प्रकार की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए पुलिस और प्रशासन को शांति बनाए रखने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेश फैलाने वाले तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही जल्द ही प्रदेश के सभी थाना स्तर पर कम्युनिटी लाइजिन ग्रुप की बैठक आयोजित कर विभिन्न समुदायों के बीच में शांति का माहौल कायम करने और कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। चिकित्सा सेवा से संबंधित कर्मी, बैंक कर्मी, न्यायिक सेवाओं से संबंधित पदाधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार, मीडिया कर्मियों द्वारा परिचय पत्र या दस्तावेज दिखाने पर अनुमति होगी। खेल राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना ने कहा कि मुख्यमंत्री के खेल हित में लिए गए ऐतिहासिक फैसलों से प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों की तकदीर बदल रही है। राजस्थान के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। श्री चांदना ने 3 दिवसीय जननायक खेल उत्सव के उद्घाटन के मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा मुहैया कराने के साथ ही प्रोत्साहित कर प्रदेश को खेलों में आगे बढ़ाने की है। फिलहाल सूजस बुलेटिन में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।